का त्योहार हिंदू समुदाय के सबसे प्रमुख त्योहारों में से एक है। होली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है होलिका दहन। इसे फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है तथा इसके अगले दिन रंग गुलाल की होली होती है। कई अन्य हिंदू त्योहारों की तरह होली भी बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। हम हर वर्ष बड़े ही धूमधाम से रंगों का त्योहार होली मनाते हैं। उससे एक दिन पहले मुख्य होली का त्योहार मनाया जाता है, जिसे होलिका दहन कहते हैं। इसमें सुबह के समय लोग वहां जाकर पूजा करते हैं, जहां रात को होलिका दहन होना होता है और रात में धूमधाम से होलिका दहन किया जाता है। हर त्योहार की अपनी एक कहानी होती है, जो धार्मिक मान्यताओं पर आधारित होती है। होली के पीछे भी एक कहानी है। इसकी कथा सतयुग के एक दैत्यराज हिरण्यकश्यप व उसके पुत्र भक्त प्रहलाद से जुड़ी हुई है। महर्षि कश्यप की पत्नी दक्ष पुत्री दीति के गर्भ से दो महान पराक्रमी बालकों का जन्म हुआ। इनमें से बड़े का नाम हिरण्यकश्यप और छोटे का नाम हिरण्याक्ष था। दोनों ही महाबलशाली, महापराक्रमी और आत्मबल संपन्न थे। दोनों भाइयों ने युद्ध में देवताओं को पराजित करके स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। एक समय जब हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को पाताल में ले जाकर छिपा दिया, तब भगवान विष्णु ने वराह अवतार लेकर पृथ्वी की रक्षा के लिए हिरण्याक्ष का वध किया। अपने प्रिय भाई हिरण्याक्ष के वध से दुखी होकर हिरण्यकश्यप महिंद्राचल पर्वत पर चला गया। वो भगवान विष्णु द्वारा अपने भाई की हत्या का बदला लेने के लिए ब्रह्मा जी की घोर तपस्या करने लगा। तभी इंद्र आदि देवताओं ने हिरण्यकश्यप के राज्य पर आक्रमण कर दिया और उन्हें राज्य विहीन कर दिया। दैत्यगण इस युद्ध में पराजित हुए और पाताल लोक को भाग गए। देवराज इंद्र, लगता है सारे दैत्य डरकर पाताल लोक में जाकर छुप गए हैं। बस हिरण्यकश्यप की पत्नी कयाधु ही महल में शेष है। हिरण्यकश्यप की पत्नी कयाधु को बंदी बना लो। देवराज इंद्र ने हिरण्यकश्यप के महल में प्रवेश करके उसकी पत्नी कयाधु को बंदी बना लिया। मुझे छोड़ दीजिए देवराज इंद्र, मैं गर्भवती हूँ। नहीं, हम एक दैत्य की पत्नी को यहाँ नहीं छोड़ सकते। ये हम सभी देवताओं के लिए हानिकारक है। देवराज इंद्र कयाधु को बंदी बनाकर ले जाने लगे, तभी रास्ते में उनकी देवर्षि नारद से भेंट हो गई। कोई बचाओ, मेरी रक्षा करो। नारायण नारायण, देवराज इंद्र कयाधु को कहाँ ले जा रहे हो? देवर्षि नारद, इसके गर्भ में हिरण्यकश्यप का अंश है। अगर वो जीवित रहा तो एक दैत्य और जन्म ले लेगा। मैं ऐसा कदापि नहीं होने दूंगा। नहीं देवराज इंद्र, कयाधु के गर्भ में पल रहा शिशु आगे चलकर भगवान विष्णु का परम भक्त बनेगा। इसे मारना तुम्हारी शक्ति के बाहर है, अतः इसे छोड़ दो। नारद जी के कथन का मान रखते हुए इंद्र ने कयाधु को छोड़ दिया और वापस चले गए। नारद जी कयाधु को अपने आश्रम में ले आए और बोले, बेटी तुम यहाँ आराम से रहो। जब तक तुम्हारा पति हिरण्यकश्यप अपनी तपस्या पूरी करके नहीं लौटता, तुम इसी आश्रम में रहोगी। हे देवर्षि, आपने मेरी और मेरी होने वाली संतान की रक्षा की, मैं सदैव आपकी आभारी रहूंगी। कयाधु उस आश्रम में नारद जी के सुंदर प्रवचनों का लाभ लेती हुई सुखपूर्वक रहने लगी, जिसका गर्भ में पल रहे शिशु पर भी गहरा प्रभाव पड़ा। भगवान विष्णु के नाम का जाप कयाधु और उसके होने वाले बच्चों के कानों में सदैव पड़ता रहता था। धीरे धीरे समय बीता और कयाधु ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम प्रहलाद रखा गया। इधर हिरण्यकश्यप की कठोर तपस्या पूरी हो चुकी थी। वरदान मिलने के बाद हिरण्यकश्यप को अपने ऊपर अहंकार हो गया और वो तीनों लोगों पर अत्याचार करने लगा। कुछ समय के बाद कयाधु भी प्रहलाद को लेकर राजमहल में आ गई। भक्त प्रहलाद शिक्षा दीक्षा ग्रहण करने गए तो वहाँ भी वो श्रीहरि का नाम ही जपते थे। जब ये बात हिरण्यकश्यप को पता चली तो वो क्रोध में आ गया। अरे ये बड़ा दुरात्मा है, इसको मार डालो। अब इसके जीने से कोई लाभ नहीं है, क्योंकि ये शत्रु प्रेमी तो अपने कुल का ही नाश करने वाला हो गया है। नहीं नहीं स्वामी, ऐसा मत कीजिए। मेरे लाल मेरे बालक को छोड़ दीजिए, ये आपका पुत्र है। सैनिकों ने प्रहलाद को अनेकों प्रकार से मारने की चेष्टा की, पर उनके सभी प्रयास
श्रीहरि की कृपा से असफल हो जाते थे। हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद के हाथ पैर बांधकर समुद्र में फेंकवाया, विषैले सांपों से डसवाया और पर्वत शिखर से गिराया, पर भगवान विष्णु के आशीर्वाद से प्रहलाद को कुछ भी नहीं हुआ। विष मिला भोजन खाने के बाद भी प्रहलाद पर कोई असर नहीं हुआ। प्रहलाद को मारने के सब प्रकार के प्रयास विफल हो चुके थे। एक दिन हिरण्यकश्यप इसी चिंता में डूबा हुआ था, तभी उसकी बहन होलिका उसके पास आई और बोली, भैया मैं इतने महान बलशाली राजा को इस तरह चिंता में डूबा नहीं देख सकती। आपको आपकी सभी चिंताओं से मुक्ति दिलाने के लिए मैं आपके पास एक प्रस्ताव लेकर आई हूँ। कैसा प्रस्ताव बहन होलिका? मेरी तो सबसे बड़ी चिंता वो विष्णु भक्त प्रहलाद है। मुझे तो सिर्फ उसे मृत्यु दंड देना है, उसके बाद मेरी सारी चिंताएं दूर हो जाएंगी। हाँ भैया, मेरे पास एक रास्ता है जिसके द्वारा आप प्रहलाद को मार सकते हो। भैया आप तो जानते ही हो मुझे भगवान ब्रह्मा से वरदान प्राप्त है कि अग्नि मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। यदि मैं प्रहलाद को अपनी गोद में बिठाकर अग्नि में बैठ जाऊं, अर्थात सैनिकों की सहायता से एक बड़ी जगह पर चिता जलाई जाए और उस अग्नि में मैं प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर बैठ जाऊंगी, मैं उसे कसकर पकड़कर रखूंगी ताकि वो उस अग्नि से निकलकर भागने ना पाए और उसी चिता में जलकर भस्म हो जाए। उसके पश्चात प्रहलाद जलकर भस्म हो जाएगा और आपके मार्ग का कांटा भी साफ हो जाएगा। अति उत्तम बहन होलिका, अति उत्तम। शीघ्र ही मैं सैनिकों को आदेश देता हूँ कि प्रहलाद के लिए एक बड़ी चिता तैयार की जाए। इसके बाद हिरण्यकश्यप ने अपने सैनिकों को यही आदेश दिया। कुछ ही समय में एक खाली जगह पर विशाल लकड़ियां और घास फूस इकट्ठी कर दी गई और उसके बीचों बीच होलिका प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर बैठ गई। इसके पश्चात हिरण्यकश्यप की आज्ञा अनुसार उस चिता में आग लगा दी गई। आग लगते ही प्रहलाद हमेशा की तरह विष्णु विष्णु का नाम जपने लगा। जैसे जैसे अग्नि की आंच उन तक पहुंचने लगी, वैसे वैसे होलिका को उसकी तपन महसूस होने लगी। वो आश्चर्यचकित थी क्योंकि इससे पहले अग्नि ने उसे कभी ऐसा अनुभव नहीं करवाया था। अब अग्नि उन तक पहुँच चुकी थी और होलिका का शरीर उस अग्नि से जलने लगा था, तो वही प्रहलाद निश्चिंत होकर बैठा था और विष्णु नाम का जाप कर रहा था। होलिका को ये देखकर बहुत क्रोध आया और वो चीख चीख कर भगवान ब्रह्मा के दिए वरदान को झूठा बताने लगी। छल, मुझसे छल हुआ है, ब्रह्मदेव का वरदान झूठा है, बचाओ, कोई बचाओ। होलिका की बातों को सुनकर भगवान ब्रह्मा जी प्रकट हुए और बोले, शायद तुम भूल रही हो, ये वरदान देते समय मैंने तुमसे कहा था कि ये तभी प्रभावी होगा जब तुम इसे स्वयं की रक्षा करने या दूसरों की भलाई के लिए उपयोग करोगी, पर तुम्हारे हाथों से इस वरदान का दुरुपयोग हुआ है। तुमने इस वरदान के द्वारा निर्दोष बालक को मारने का दुस्साहस किया है, इसलिए तुम्हें अपनी करने का फल प्राप्त हुआ है। ये कहकर भगवान ब्रह्मा अंतर्ध्यान हो गए। वह अग्नि बहुत विशाल थी और होलिका चाहकर भी उस अग्नि से नहीं निकल सकती थी। प्रहलाद की रक्षा तो स्वयं नारायण कर रहे थे, इसलिए उसे कुछ नहीं हुआ। बाहर खड़े सभी सैनिक और हिरण्यकश्यप होलिका की चीख सुन रहे थे, पर कोई होलिका को नहीं बचा सका। देखते ही देखते होलिका का शरीर उसी अग्नि में जलकर भस्म हो गया, जबकि भक्त प्रहलाद सकुशल बाहर आ गया। तभी से उस दिन को होलिका दहन के नाम से मनाया जाता है और अगले दिन रंगों की होली होती है। महर्षि कश्यप की पत्नी दक्ष पुत्री दीति के गर्भ से दो महान पराक्रमी बालकों का जन्म हुआ। इनमें से बड़े का नाम हिरण्यकश्यप और छोटे का नाम हिरण्याक्ष था। दोनों भाइयों में बड़ी प्रीति थी। दोनों ही महाबलशाली, अमित पराक्रमी और आत्मबल संपन्न थे। दोनों भाइयों ने युद्ध में देवताओं को पराजित करके स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। एक समय जब हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को पाताल में ले जाकर छिपा दिया, तब भगवान विष्णु ने वराह
अवतार लेकर पृथ्वी की रक्षा के लिए हिरण्याक्ष का वध किया। अपने प्रिय भाई हिरण्याक्ष के वध से दुखी होकर हिरण्यकश्यप महिंद्राचल पर्वत पर चला गया। वो भगवान विष्णु द्वारा अपने भाई की हत्या का बदला लेने के लिए ब्रह्मा जी की घोर तपस्या करने लगा। ओम ब्रह्मदेवाय नमः, ओम ब्रह्मदेवाय नमः, ओम ब्रह्मदेवाय नमः। यही सही समय है दैत्य को परास्त करने का। हिरण्यकश्यप अपने राज्य में नहीं है। देवराज इंद्र, फिर तो हम दैत्यों पर आक्रमण कर देते हैं। इस तरह विचार करके देवताओं ने हिरण्यकश्यप के राज्य पर आक्रमण कर दिया और उन्हें राज्य विहीन कर दिया। दैत्यगण इस युद्ध में पराजित हुए और पाताल लोक को भाग गए। देवराज इंद्र, लगता है सारे दैत्य डरकर पाताल लोक में जाकर छुप गए हैं। बस हिरण्यकश्यप की पत्नी कयाधु ही महल में शेष है। हिरण्यकश्यप की पत्नी कयाधु को बंदी बना लो। देवराज इंद्र ने हिरण्यकश्यप के महल में प्रवेश करके उसकी पत्नी कयाधु को बंदी बना लिया। कोई बचाओ, मेरी रक्षा करो। नहीं, हम एक दैत्य की पत्नी को यूं खुला महल में नहीं छोड़ सकते। ये हम सभी देवताओं के लिए हानिकारक है। देवराज इंद्र कयाधु को बंदी बनाकर ले जाने लगे, तभी रास्ते में उनकी देवर्षि नारद से भेंट हो गई। नारायण नारायण, देवराज इंद्र कयाधु को कहाँ लेकर जा रहे हो? देवर्षि नारद, इसके गर्भ में हिरण्यकश्यप का अंश है। अगर वो जीवित रहा तो एक दैत्य और जन्म ले लेगा। मैं ऐसा कदापि नहीं होने दूंगा। नहीं देवराज इंद्र, कयाधु के गर्भ में पल रहा शिशु आगे चलकर भगवान विष्णु का परम भक्त बनेगा। इसे मारना तुम्हारी शक्ति के बाहर है, अतः इसे छोड़ दो। नारद जी के कथन का मान रखते हुए इंद्र ने कयाधु को छोड़ दिया और वापस चले गए। नारद जी कयाधु को अपने आश्रम में ले आए और उससे बोले, बेटी तुम यहाँ आराम से रहो। जब तक तुम्हारा पति हिरण्यकश्यप अपनी तपस्या पूरी करके नहीं लौटता, तुम इसी आश्रम में रहोगी। हे देवर्षि, आपने मेरी और मेरी होने वाली संतान की रक्षा की, मैं सदैव आपकी आभारी रहूंगी। कयाधु उस पवित्र आश्रम में नारद जी के सुंदर प्रवचनों का लाभ लेती हुई सुखपूर्वक रहने लगी, जिसका गर्भ में पल रहे शिशु पर भी गहरा प्रभाव पड़ा। भगवान विष्णु के नाम का जाप कयाधु और उसके होने वाले बच्चों के कानों में सदैव पड़ता था। धीरे धीरे समय बीता और कयाधु ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम प्रह्लाद रखा गया। इधर हिरण्यकश्यप की कठोर तपस्या पूरी हो चुकी थी। ब्रह्मा जी प्रकट हुए। हिरण्यकश्यप, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। मांगो, क्या वरदान मांगते हो? ब्रह्मदेव, मुझे ऐसा वरदान दीजिए, मुझे न कोई घर के भीतर मार सके, न घर के बाहर, न अस्त्र से, न शस्त्र से, न दिन में, न रात में, न मनुष्य से और न पशु से, न आकाश में, न पृथ्वी में। ठीक है पुत्र, यदि तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो मैं तुम्हें ये वरदान प्रदान करता हूँ। वरदान मिलने के बाद हिरण्यकश्यप को अपने ऊपर अहंकार हो गया और वो तीनों लोगों पर अत्याचार करने लगा। कुछ समय के बाद कयाधु भी प्रह्लाद को लेकर राजमहल में आ गई। भक्त प्रह्लाद शिक्षा दीक्षा ग्रहण करने गए तो वहाँ भी वो श्री हरि का नाम ही जपते थे। जब ये बात हिरण्यकश्यप को पता चली तो वो क्रोध में आ गया। अरे ये बड़ा दुरात्मा है, इसको मार डालो। अब इसके जीने से कोई लाभ नहीं है, क्योंकि ये शत्रु प्रेमी तो अपने कुल का ही नाश करने वाला हो गया है। नहीं नहीं स्वामी, ऐसा मत कीजिए। मेरे लाल मेरे बालक को छोड़ दीजिए, ये आपका पुत्र है। सैनिकों ने प्रह्लाद को अनेकों प्रकार से मारने की चेष्टा की, पर उनके सभी प्रयास श्री हरि की कृपा से असफल हो जाते थे। हिरण्यकश्यपु ने प्रह्लाद के हाथ पैर बांध कर समुद्र में फेंकवाया, विषैले सांपों से डसवाया और पर्वत शिखर से गिराया, पर भगवान विष्णु के आशीर्वाद से प्रह्लाद को कुछ भी नहीं हुआ। विष मिला भोजन खाने के बाद भी प्रह्लाद पर कोई असर नहीं हुआ। जब प्रह्लाद को मारने के सब प्रकार के प्रयास विफल हो गए, तब हिरण्यकश्यप की बहन होलिका उसके पास आई और बोली, भैया आप निश्चिंत रहिए, मैं प्रह्लाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठ जाऊंगी। आपको याद है ना, मेरे पास ब्रह्मा जी द्वारा दी हुई वह शॉल है, जिसे ओढ़कर मेरे ऊपर अग्नि का कोई प्रभाव नहीं होता। यदि ऐसा है होलिका, तो मैं अभी सैनिकों को आदेश देकर बड़ी मात्रा में अग्नि जलाने का प्रबंध करवाता हूँ। इसके पश्चात होलिका प्रह्लाद को अपनी गोद में लेकर प्रज्वलित अग्नि में प्रवेश कर गई। पर ईश्वर की कृपा से प्रह्लाद को कुछ भी नहीं हुआ और होलिका जलकर भस्म हो गई। क्या, होलिका अग्नि में जलकर भस्म हो गई? इसी समय प्रह्लाद को पकड़कर मेरे सामने लाओ। प्रणाम पिताश्री, जय श्री हरि। दुष्ट, तू निर्लज पापी है। मेरे सामने खड़े होकर तू उस हरि का नाम ले रहा है, जिसके बल पर तू ऐसी बहकी बहकी बातें करता है। तेरा वो ईश्वर कहाँ है?
पिताश्री, श्रीहरि तो सभी जगह स्थित हैं। वो सब जगह है तो क्या इस महल में भी है? जी पिताश्री, इस महल में भी है। वो यदि यहाँ है तो मुझे इस खंभे में क्यों नहीं दिखाई देता? क्या तेरा वो विष्णु इस खंभे में भी है? जी पिताश्री, मुझे तो मेरे प्रभु श्रीहरि इस खंभे में भी दिखाई दे रहे हैं। इस विष्णु भक्त प्रह्लाद को इस खंभे से बांध देता हूँ, देखता हूँ तेरा हरि तुझे कैसे बचाता है। तभी कयाधु दौड़ती हुई आती है और हिरण्यकश्यप से विनती करने लगती है। स्वामी, ये बालक है, इसे मत मारिए। मैं आपसे विनती करती हूँ, मेरे पुत्र को छोड़ दीजिए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर इसका हरि से बचाना चाहता है तो इस खंभे में से बाहर आएगा। प्रह्लाद आंखें बंद किए जय श्री हरि नाम का जाप कर रहा था। ये देखकर क्रोध के मारे हिरण्यकश्यप स्वयं को संभाल नहीं सका और उसने बहुत जोर से उस खंभे पर आघात किया। उसी समय उस खंभे को तोड़कर एक विचित्र प्राणी निकलने लगा, जिसका आधा शरीर सिंह का और आधा शरीर मनुष्य का था। ये देखकर प्रह्लाद सहित सभा में खड़े सभी लोग घबरा गए। यही भगवान श्री हरि का नरसिंह अवतार था। उनका रूप बड़ा भयंकर था। उनकी तपाए हुए सोने के समान पीली पीली आंखें थी। उनकी दाढ़ें बड़ी विकराल थी और वे भयंकर शब्दों से गर्जन कर रहे थे। उनके निकट जाने का साहस किसी में नहीं हो रहा था। ये देखकर हिरण्यकश्यप सिंहनाद करता हुआ हाथ में गदा लेकर नरसिंह भगवान पर टूट पड़ा। तब भगवान नरसिंह और हिरण्यकश्यप के बीच युद्ध आरंभ हो गया। नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप को झपट कर दबोच लिया और उसे सभा की चौखट पर ले जाकर अपनी जांघों पर गिरा लिया और बोले, हे हिरण्यकश्यप, ब्रह्मा जी के वरदान का आदर करते हुए मैं तेरा वध कर रहा हूँ। न दिन है, न रात है, संध्या बेला है, न घर के भीतर न ही बाहर। मैं तुझे चौखट पर मार रहा हूँ। न ही मनुष्य और न ही पशु, बल्कि मेरा आधा शरीर मनुष्य और आधा शरीर पशु का है। मैं तुझे किसी अस्त्र या शस्त्र से नहीं, बल्कि मैं तुझे अपने नाखूनों से मार रहा हूँ। इतना कहते ही नरसिंह भगवान ने अपने नाखूनों से हिरण्यकश्यप के कलेजे को फाड़कर उसे पृथ्वी पर पटक दिया। फिर वहां उपस्थित अन्य असुरों और दैत्यों को खदेड़ खदेड़ कर मार डाला। भगवान नरसिंह का क्रोध बढ़ता ही जा रहा था। वे हिरण्यकश्यप के सिंहासन पर विराजमान हो गए। उनकी क्रोधपूर्ण मुखाकृति को देखकर किसी को भी उनके निकट जाकर उनको प्रसन्न करने का साहस नहीं हो रहा था। देवताओं के आग्रह पर माता लक्ष्मी उनके निकट आईं और भगवान के उग्र रूप को देखकर वे भी भयभीत हो गईं। तब ब्रह्मा जी ने प्रह्लाद से कहा, पुत्र प्रह्लाद, अब तुम ही भगवान नरसिंह को शांत कर सकते हो। जाओ, उनके समीप जाओ। प्रह्लाद भगवान नरसिंह के समीप जाकर हाथ जोड़कर उनके चरणों में बैठ गए और भगवान नरसिंह के क्रोध को शांत किया। तत्पश्चात भगवान नरसिंह प्रह्लाद को प्यार करने लगते हैं और प्रह्लाद के आग्रह पर वो भगवान विष्णु के रूप में आते हैं और प्रह्लाद को आशीर्वाद प्रदान कर अंतर ध्यान हो जाते हैं।